आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे पीसीआई के एक नए नोटिफिकेशन के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइकेडमी, दिस इज हिमांशु। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 2 जून 2022 को पीसीआई की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आता है, पब्लिक सर्कुलर। क्या है इस नोटिफिकेशन में, इसके बारे में डिस्कस करें। देखिए, कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था, जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है वो उनके आधार से जो है वो लिंक हो जाता है। अब इस आधार से लिंक होने का बेनिफिट क्या हो सकता है कि जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, चाहे उसके मेडिकल स्टोर चल रही है या फिर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में लगा हुआ है या फिर उसका लाइसेंस जो है वो किसी जगह लगा हुआ है, रनिंग में है। अब ये लाइसेंस लगे हुए होने के बावजूद भी वो फार्मासिस्ट कहीं और इस लाइसेंस का बेनिफिट नहीं ले रहा है। इसलिए क्या होगा, जब आपका आधार जो है रजिस्ट्रेशन लाइसेंस से कनेक्ट हो जाएगा तो पता चल जाएगा भैया ये जो पर्सन है ये यहाँ पे एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर रहा है या फिर ये पर्सन है जिसकी मेडिकल स्टोर जो है वो यहाँ पे चल रही है। ये तो बात क्लियर हो गई। अब इसी के रिगार्डिंग लगभग वही एक नोटिस है जिसमें कि ऐसा लिखा हुआ है, काफी सारे कैंडिडेट ऐसे कर रहे हैं जिनका जो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस जो है वो मध्य प्रदेश से बिलोंग कर रहा है बट उनका जो बिजनेस है, जो व्यापार है, वो चल रहा है राजस्थान में या फिर चल रहा है गुजरात में। तो कहने का मतलब इस नोटिस में यही है, जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, जो जहां से रजिस्टर्ड है वो वहीं पे अपना जो है बिजनेस करेंगे, इसके अलावा कहीं बिजनेस सेटअप करते हैं तो ये बात गलत है। तो इस नोटिस में बेसिकली यही लिखा हुआ है, देखिए, दिस इज रेफरेंट टू सब्जेक्ट साइटेड अबव दिस कंसर्न दैट डायरेक्ट स्टेट एंड इट हैज बी नोटिस दैट ऑफ पीसीआई दैट ए फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड वन स्टेट बट रिसाइडिंग और कैरिंग और बिजनेस प्रोफेशनल ऑफ फार्मेसी अनदर स्टेट। मतलब कि वो रजिस्टर्ड जो है वो किसी अलग स्टेट से हैं बट अपना बिजनेस प्रोफेशनल जो है अलग स्टेट में कर रहा है। तो इसमें देखिए ऐसा है कि अगर कोई फार्मासिस्ट दूसरे स्टेट में जाके बिजनेस करना चाहता है तो उसको वहां पे रजिस्ट्रेशन जो है वो ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं चलेगा कि आपका जो है दूसरे स्टेट से बिलोंग करता है और आप दूसरे स्टेट में जो है बिजनेस कर रहे हैं। ये मेरे हिसाब से सबको पता ही है बट ये इंप्लीमेंटेशन में होने वाला है क्योंकि अब पीसीआई ने एक सर्कुलर नोटिस जारी किया है सारे स्टेट को, जितने भी स्टेट्स हैं उनको और जितने भी आपकी पीसीआई है, मतलब कि आपकी स्टेट पीसीआई है कि आपकी, जैसे कि स्टेट पीसीआई में आपका राजस्थान से है तो राजस्थान पीसीआई, मध्य प्रदेश तो जो है एमपीसीआई और महाराष्ट्र से तो एमपीसीआई। तो इस हिसाब से जितने भी आपकी स्टेट पीसीआई है और स्टेट गवर्नमेंट को यहां पे एक सर्कुलर नोटिस भेजा गया है कि अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो ये गलत है। कि आप जानते हैं, अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, आपके पास लाइसेंस है, तो एक पर्सन एक लाइसेंस के थ्रू एक ही फील्ड में, एक ही प्रोफेशन में, एक ही जगह काम कर सकता है। चलिए, तो ऐसे ही फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।